भारतीय सेना के लिए आज एक बुरी खबर अभी अभी आई है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो काफी सुरक्षित मानी जाती है, जिससे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत यात्रा कर रहे थे, लेकिन लगभग 12:20 के आसपास तमिलनाडु के कन्नूर के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस दुर्घटना में बिपिन रावत बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बारे में विशेष जानकारी रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी मुहैया नहीं कराया गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी छनकर आया है उसमें यह कहा गया है कि बिपिन रावत बुरी तरह से घायल हैं।